आज का दौर ऐसा है कि कोई भी कुछ नहीं करता है जब तक उसे उस काम में खुद का फायदा नजर नहीं आता है। क्या आप भी यही सोचते हैं कि जिनके पास पैसा और सक्सेस होता है वो कितने लकी होते हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि सक्सेस का लक से लेना देना नहीं होता है। जिनके पास सक्सेस होती है वो इसलिए होती है क्योंकि उनके पास बैठकर सोचने का समय नहीं होता कि कोई चीज चलकर उनके पास आएगी। सक्सेसफुल लोग वैसे लोग होते हैं जिनके पास विजन होता है कुछ कर गुजरने का। वो अपनी चाहत को अपने काम में तब्दील करते हैं, काम करने में विश्वास करते हैं। अगर आपके अंदर मादा है कि आप दुनिया को झुका सकते हैं तो दुनिया भी आपके आगे झुकेगी। सक्सेसफुल आदमी और एवरेज आदमी की सोच में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। सक्सेसफुल इंसान के पास मिलियन डॉलर माइंडसेट होता है। अगर आप चाहते हैं तो आपके पास भी ये माइंडसेट हो सकता है। सक्सेसफुल इंसान का माइंडसेट कैसा होता है और उसे पाया कैसे जाता है? क्या आप सच्चाई से ये बात कह सकते हैं कि आप जानते हैं आपको जिंदगी से क्या चाहिए? आप अपने उद्देश्य के हिसाब से खुद को वहां तक ले जाने के लिए तैयार रहिए। अपने गोल्स के प्रति ईमानदार के साथ उस गोल पर स्टिक भी रहिए। सोचिए कि आपको एक लंबे सफर पर कार से जाना है लेकिन आपको डेस्टिनेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो अब सोचिए कि आपका सफर कैसा होगा। इसलिए एक सिंपल सा तरीका है कि खुद से सवाल करिए क्यों, यही क्यों आपको आपकी मंजिल से मिलवाने का काम करेगा। इंसान के अंदर दो तरह की आदत होती है, पहली यह कि वो दूसरों से जलता है, दूसरी यह कि वो दूसरों से प्यार और सिंपथी रखता है। अब आपके अंदर की कौन सी आदत जीतेगी इसका फैसला आपको खुद करना है। आपको हर नेगेटिव चीज से बाहर आना है जो आपको पीछे की तरफ खींच रही है। इन सभी के साथ हमारे अंदर एक आवाज भी होती है, वो आवाज हमारे सेल्फ एस्टीम को गिराती रहती है। वो आवाज ये भी बताती है कि हमारे अंदर बहुत सी कमियां हैं। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको अपनी उस नेगेटिव आवाज को बंद करना होगा। अपनी वीकनेस को दूर करने के लिए हम आपको कुछ टिप देना चाहते हैं। जिस काम से आपको खुशी मिलती हो आप वो काम जरूर करिए। जब आप अपनी खुशी का काम कर रहे होंगे तब आप काफी कुछ सीख भी रहे होंगे। नई स्किल्स को सीखने में अपने समय का इन्वेस्टमेंट जरूर करिए। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आज से बल्कि अभी से सिर्फ और सिर्फ सक्सेसफुल लोगों की ही एडवाइस सुनिए। आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ खास नहीं किया है लेकिन वो एडवाइस बहुत देते हैं और दूसरों की गलतियां भी बहुत निकालते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए। आपके अंदर जो नेगेटिव फोर्स है उससे सीखने की कोशिश करिए। जब आप उससे सीखने लगेंगे तो आप अपने बेस्ट वर्जन से मिलेंगे। आपका बेस्ट वर्जन मोटिवेटेड, खुश, जिंदा दिल और सक्सेसफुल होगा। आपके सामने एक सिचुएशन है। एक होटल में दो आदमी 6 अलग अलग टेबल में बैठे हुए हैं। पहला इंसान चेहरा झुकाए हुए चुपचाप उदासी में वेटर का इंतजार कर रहा है। दूसरा इंसान मुस्कुराता हुआ वेटर से मजाक कर है। अब आते हैं मेन सवाल पर, आपके हिसाब से दोनों व्यक्तियों में से अपनी जिंदगी से ज्यादा खुश कौन है? पहला आदमी डिप्रेशन में दिख रहा है वहीं दूसरा आदमी ज्यादा खुश नजर आ रहा है। आसान भाषा में कहें तो दूसरा इंसान यहाँ विनय की तरह दिख रहा है कि आप अपने सोशल कल्चर को भी बेहतर बनाते रहिए। कई स्टडीज में ये निकल कर सामने आया है कि इंसान ज्यादातर अपने आसपास रहने वालों से ही सीखता है। इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि आपके आसपास का माहौल पॉजिटिव रहे। ये भी कोशिश करिए कि आप अधिकतर पॉजिटिव लोगों की संगत में रहें। ये याद रखिए, आप अपने आसपास के लोगों का ही एवरेज होते हो, तो जिस तरह के लोग आपके आसपास होंगे आप भी वैसे ही बनोगे। हम सबके पास एक लाइफ स्टोरी होती है, इसी लाइफ स्टोरी को हम लोगों को बताते भी हैं। आप वही हैं जो आप बताते हैं कि आप हैं। कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहले जरूरी है कि आप खुद से कुछ सवाल करिए। ये सवाल काफी कठिन हो सकते हैं लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल इंसान की तरह जीवन जीना है तो आपको खुद सवाल करने ही होंगे। आप खुद से पूछिए कि क्या आपके पास कोई अचीवमेंट है जिसके बारे में आप खुद को बता सकें? क्या आप अपनी लाइफ बस बहाने बनाने में बिता रहे हो? इन सब सवालों से आपकी आत्मा जागेगी। खुद का आकलन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इंसान को अंदर ही अंदर कई जंग लड़नी पड़ती है लेकिन आपको बता दे कि आप ही खुद के अंदर बदलाव ला सकते हैं। खुद के अंदर पॉजिटिव बदलाव लाने का यही एक तरीका है कि आप खुद से कठिन सवाल करना सीखें। अगर आप खुद से कठिन सवाल करना सीख जाएंगे तो आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ बेहतर कर ही लेंगे। खुद के ऊपर भरोसा रखिए, इतना भरोसा जितना आपको किसी के ऊपर ना हो। दुनिया को जीतने का मादा आपके पास है,
देर है तो बस पहचानने की, इसलिए पारखी नजर को पैदा कर लीजिए। जीवन में नजरिए का खेल भी काफी ज्यादा होता है। उदाहरण के तौर पर आप लेखक को ले सकते हैं। उनको बचपन से ही एक बीमारी थी जिसका नाम था ADD यानी अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। काफी लंबे समय तक लेखक इस बीमारी से परेशान रहे। वो कुछ भी याद नहीं रख पाते थे, उन्हें इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने में परेशानी होती थी, वो किसी भी एक चीज पर टिक नहीं पाते थे। इसलिए कहा भी गया है कि नजरिया बदलिए, पूरा खेल ही बदल जाता है। अपने जीवन को जीने का तरीका बदल दीजिए। जो चीजें आपको पीछे लेकर जाती हैं, उन्हें पहचानिए और आगे बढ़िए। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस के बीज को बोना कैसे है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। आप अपने जीवन में 4 C को याद कर लीजिए। ये 4 C है करेज, कमिटमेंट, कैपेबिलिटी और कॉन्फिडेंस। चलिए हम शुरुआत करते हैं करेज से। आपके अंदर कुछ भी नया करने की हिम्मत होनी चाहिए। ये हिम्मत आपको खुद से आएगी। यही हिम्मत आपके अंदर कॉन्फिडेंस को जन्म देगी। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। एक बार अगर आपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का फैसला कर लिया तो समझ लीजिए कि आप सफलता के पास भी पहुंच गए हैं। दूसरी चीज है कमिटमेंट। आपको हर काम के प्रति कमिटेड रहना होगा। ये काम भले ही आपकी रिलेशनशिप हो या बिजनेस हो, आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा खुद को कि आपको भागना नहीं है। हर काम को पूरा करने के लिए एक कमिटमेंट की जरूरत होती है। यही कमिटमेंट आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को बड़ा करने में भी मदद करेगा। अगला नंबर आता है कैपेबिलिटी का। इसका मतलब स्किल से है। आपको पता होना चाहिए कि आपके टारगेट के लिए आपके अंदर कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए। अगर आपके अंदर कोई स्किल नहीं है तो उसे सीखने की ललक भी आपके अंदर होनी ही चाहिए। अपनी स्किल या काबिलियत पर भरोसा रखिए। यही भरोसा आपके कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बेहतर बनाने में मदद भी करने वाला है। ऊपर बताई गई इन तीनों चीजों को अगर आपने थाम लिया तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आ ही जाएगा। तो फिर देर किस बात की, शुरू कीजिए अपने सफर की। अगले मिलेनियर आप भी हो सकते हैं। चलिए आपको एक एक्सरसाइज बताते हैं। अगर आप अभी अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले एक पेन उठाइए, एक कागज में लिखना शुरू करिए। उस कागज में आप आज तक की अपनी सभी अचीवमेंट की लिस्ट बनाएंगे। इस लिस्ट में आपकी हर उस छोटी अचीवमेंट को शामिल करिए जिस अचीवमेंट ने आपको प्राउड फीलिंग दी हुई होगी। सवाल ये है कि इस एक्सरसाइज के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि कॉन्फिडेंस को पैदा कैसे किया जाता है। इस आखिरी एक्सरसाइज से आपको पता चलेगा कि आपने जीवन में बहुत कुछ अचीव किया है। इन सब अचीवमेंट का क्रेडिट आप खुद को देना मत भूलिए। इस एक्सरसाइज से आपको खुशी का अनुभव होगा। खुशी कॉन्फिडेंस बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है। कभी आप गौर करिएगा कि आप जब दुर्वी रहते हैं तो आप क्या सोचते हैं और जब खुश रहते हैं तो आप क्या सोचते हैं। आपको पता चलेगा कि जब आप खुश रहते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस हाई रहता है। उसी हाई कॉन्फिडेंस को आपको स्टेबल करना है। एक बार आप इसे स्टेबल करना सीख गए तो समझ लीजिएगा कि मिलेनियर बनने के रास्ते में आप निकल चुके हैं। अपने भविष्य के लिए आपको सक्सेस हैबिट को अपने अंदर उतारना ही पड़ेगा। ये एक ऐसा टास्क है जिसे आप मना नहीं कर सकते हैं। अपने टास्क को पूरा करने के लिए अगर आपको खुद से भी जंग का ऐलान करना पड़े तो पीछे मत हटिएगा। याद रखिएगा कि गिरते हैं शह सवार ही मैदाने जंग में, इसलिए रिस्क लेने से कभी डरना नहीं है। हमेशा नई नई स्किल्स को सीखते रहना है। उस दिशा में प्रोडक्टिव काम करिए जहां से आपको पैसे मिल सके। तो समझ लीजिएगा कि आपकी जिंदगी के मालिक आप ही रहोगे। अगर ये आदतें आपके अंदर नहीं रहेंगी तो हमेशा आपकी जिंदगी सिचुएशन के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। इनमें से कुछ आदतें आपकी मेंटल हेल्थ को मजबूत करेगी, वहीं कुछ आदतें आपके गोल्स तक आपको ले जाने में मददगार साबित होंगी। याद रखिए, असफलता से कभी भी निराश नहीं होना है। अगर कुछ समय के लिए निराश हो भी गए तो फिर और मेहनत के साथ अपने गोल्स की तरफ बढ़ना है। आपके गोल्स ही आपको खुशी देंगे। इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि जीवन में कुछ बड़ा कर सके। जब आपकी सोच में बड़ा करने का ख्याल रहेगा तो आपके एक्शन भी वैसे ही रहेंगे। एक चैलेंज खुद को दीजिए। इस चैलेंज का नाम रखिए 30 डेज बेटर लाइफ चैलेंज। सक्सेस हैबिट को सीखना बहुत अच्छी शुरुआत है, लेकिन उनको अपने जीवन में उतारना क्या उतना ही आसान है? आप कैसे उन हैबिट्स को अपने अंदर उतारने वाले हैं? कुछ दिमाग में आया क्या? अगर नहीं आया तो एक बात जान लीजिए कि अब पढ़ने का समय नहीं है, बल्कि कुछ करने का समय आ गया है। एक डायरी भी मेंटेन रखिए। इस डायरी में आपको नोट भी करते जाना है कि हर दिन आप नया क्या सीखने का प्रयास कर रहे हैं।
अपने आप को जज भी करते रहिए। 30 दिन के बीच में ही खुद का एग्जाम भी लेते रहिएगा। इस एग्जाम से ये पता चलेगा कि क्या वाकई में बदलाव आ रहा है या फिर बस आप खुद से छलावा कर रहे हैं। याद रखिएगा, छलावा से मंजिल कभी नहीं मिलती है, क्योंकि छलावा एक धोखा होता है जिसे आज नहीं तो कल सबके सामने आ ही जाना है। इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि आप खुद से भी और दूसरों के प्रति भी हमेशा सत्य का ही साथ दें। इतने ज्ञान के डोज के बाद इस किताब के लेखक को ये उम्मीद है कि आप अपने जीवन को भी और दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। 30 डेज के चैलेंज का रिजल्ट भी आपको खुद ही तैयार करना है, इसलिए थोड़ा स्ट्रिक्ट रहने की कोशिश करिएगा। ऐसे ही जीवन बदलने वाले बुक समरीज के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स शो को जरूर सब्सक्राइब करें। But please don't stay the night.